झारखंड में विधि व्यवस्था के मसले पर कांग्रेसी नेता भावुक हैं। सुना है कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर कांग्रेस के विधायकों ने इतने आंसू बहाए हैं कि मानसून की बेरुखी से सूखी पड़ी झारखंड की ताल तिलैया लबालब भर सकती है। मौजूदा नेताओं का सबसे बड़ा गहना तो भौकाल है। सुना है कि सुभाष मुंडा प्रकरण से बुरी तरह टूट चुके आपके जनप्रतिनिधियों ने इसी भौकाल का त्याग करने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है। कहा है कि हुजूर आप हमारे बॉडीगार्ड वापस ले लीजिए, लेकिन प्लीज 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 झारखंड में अमन शांति ले आइए। ओहो, पलके भीग गई हमारी। इतना विशाल त्याग, इतना बड़ा बलिदान। दानवीर कर्ण आज होते तो सभी विधायकों की बलाएं ले लेते, माथा चूमकर कहते कि वत्स, जनता इस ऋण को कैसे चुका पाएगी भला। हम भी कहते हैं कि हे माननीयो, पहले से ही आपके इतने एहसान हैं, और बोझ मत ला दिए। कहां जाएंगे हम इतना एहसान लेकर। सुना है कि प्रदेश की विधि व्यवस्था को लेकर बुलाई गई इस बैठक में सभी विधायकों ने एक ही स्वर में कहा कि सरकार की छवि पर विपरीत असर पड़ रहा है। बात तो सही है, छवि पर असर तो पड़ रहा है जो इतने मेहनत से बनाई गई है। विकास प्रगति की कौन पूछता है, सब कुछ छवि ही तो है। समझने वाले कह रहे हैं कि कांग्रेसी नेताओं के कथन का पूरा लबो लुबाब यही है कि पजामा चाहे फटकर चिथड़ा हो गया हो, लेकिन सामने वाले को एकदम झकास लगना चाहिए। वैसे सही भी तो है, विकास करने या प्रदेश में अमन शांति लाने में क्या ही लगता है, एक अदद अच्छा प्रशासन, लेकिन छवि के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। बेचारे नेता हैं, लेकिन काम अभिनेताओं वाला करना पड़ता है, झूठ का पहाड़ खड़ा करना पड़ता है, इसके बाद सोशल मीडिया में इसी छवि के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, अरबों रुपये का विज्ञापन लगता है, तब कहीं जाकर बनती है यह छवि। अब इसे ऐसे ही टूटने तो नहीं दिया जा सकता ना। तो कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों का मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि बढ़ते अपराध से पब्लिक कितने संकट में है, बल्कि विषय ये है कि ऐसा ही चलते रहा तो छवि का क्या होगा। राज्य में सरकार गठन के बाद से दर्जनों जघन्य आपराधिक घटनाएं घटी हैं, लेकिन सुभाष मुंडा प्रकरण के बाद भड़के जनाक्रोश के बाद कांग्रेसी नेताओं की अंतरात्मा जागी है। अब उनका अंतर्मन कह रहा है कि विधि व्यवस्था वाकई बिगड़ी है, चिंता जता रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। अरे, आपको तो चिंता करने के लिए पब्लिक ने नहीं चुना था, बल्कि इसीलिए चुना था ताकि आप अपराध और भयमुक्त प्रदेश बनाकर जनता को सुरक्षित महसूस कराएं, लेकिन नहीं, चिंता जता रहे हैं। अरे महोदय, सरकार आपकी है, शासन प्रशासन आपका है, आप पूरे तंत्र के आधिकारिक साझेदार हैं और काम के नाम पर केवल चिंता जता रहे हैं, मतलब कमाल है। उपलब्धि गिनाना हो तो साझी सरकार, और फेल हुए तो जेएमएम जिम्मेदार। खोटा में एक कहावत है ना, मीठ सब हमोर और तीत सब तोर। कांग्रेसी नेताओं का हाल ऐसा है कि गुड़ तो खाएंगे, लेकिन गुलगुले से परहेज है। वैसे कहते हैं कि सियासत में संवेदनशील होना जरूरी नहीं है, बल्कि संवेदनशील दिखना जरूरी है। पब्लिक की तकलीफ में दुख हो या जरूरी नहीं, लेकिन लोगों के सामने आंसू निकालने की कला आनी चाहिए। ये कहावत तो और भी मशहूर है कि एक अभिनेता अपनी ऑडियंस को 3 घंटे बेवकूफ बनाता है, लेकिन नेता को यह कला पूरी जिंदगी दिखानी पड़ती है। इसी का अनुसरण कर रहे हैं कांग्रेसी नेता। विधि व्यवस्था पर चिंता हो ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि विधायक इस मसले पर चिंतित दिखते हैं या नहीं। वैसे एक बात कहें, जब विधायक कहते हैं ना कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं, तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है कि मियां कांग्रेस है या केजरीवाल। बात बात पर सरकार सरकार की रट लगाने लगते हैं। विधि व्यवस्था बिगड़ी है तो ठीक कीजिए, आपके रुदाली बनकर रोने से प्रदेश को अपराध से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। वैसे मंत्री जी के सरकारी आवास में कांग्रेसी नेताओं को भावुक होता देख मगरमच्छ इनसिक्योर हो गया है। कह रहा है कि नकली आंसू बहाने को लेकर बनी उसकी पहचान खतरे में है, क्योंकि अब मैदान में वो अकेला नहीं रहा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in